एवरीवन नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 2020 के एक और नए वीडियो में। मैं आ रखा हूँ इस वक्त चक्राता रोड के पास में, शिमला बाईपास रोड के पास में भी कह सकते हैं। तो हम लोग आईएसबीटी से इस वक्त खड़े हैं लगभग 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। इस एरिया का नाम है परवल। परवल में 25 फीट रोड पे हमने कुछ प्रॉपर्टी ली है जो कि प्लॉटिंग करके हम आपको दे रहे हैं। और यहाँ पे हमने जो प्राइसेस रखे हुए हैं, ये हमारा 17,000 पर स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होता है। 18, 19 और 20 तक के रेट भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। आसपास में घर बने हैं, स्कूल कॉलेजेस बहुत पास में हैं। आगे मैं इस वीडियो में आपको और भी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको साइट, और बाकी की जानकारी आपको पूरी मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपने। तो गाइस, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर ये एंट्री हो रही है, जहाँ पे भैया पिता लेके बैठे हैं, ये देखिए, इन्होंने इस वक्त 25 वाइड रोड पर फीता लगाया है, ठीक है। और यहाँ से एंट्री हो रही है प्रॉपर्टी की। आपको यहाँ पर बिजली पानी का कनेक्शन मिलेगा, और यहाँ पर जो पानी आता है ये 24/7 वाला पानी है। 24 घंटे यहाँ पर पानी आता रहता है। यहाँ से ये रोड डाली हुई है हमने, जो कि 25 फीट की रोड चली जाएगी। ये रोड सीधा आगे तक गई है, वो वहाँ तक जहाँ पर पुश्ता लगा है, पुश्ते के पास तक सीधा रोड आगे चली गई है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, दोनों साइड में आपको प्लॉट मिलते हैं। इस साइड की जो है हमारे पास, जैसे हम प्लॉट में एंट्री करेंगे, इस साइड के प्लॉटों में आएगा नॉर्थ वेस्ट फेसिंग। नॉर्थ वेस्ट फेसिंग में आपको 41, 42, 45 ऐसे गहराई वाले प्लॉट मिलने हैं। इसी के ठीक अपोजिट में चले जाएंगे, जो कि रहने वाला है ईस्ट फेसिंग के प्लॉट। तो ईस्ट फेसिंग के प्लॉटों में आपको गहराई मिलने वाली है 45 फीट से लेकर 50 फीट तक की, ठीक है जी। फिर यहाँ पर 40 फीट तक की और उससे कम की गहराई वाले लास्ट वाले प्लॉट भी हैं। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि हम रेट्स की बात कैसे कर रहे हैं। जो हमारे पास में पुश्ते के आसपास वाले प्लॉट आ रहे हैं, वहाँ पे हमने 17,000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट रखा है। और जैसे जैसे आप रोड की तरफ में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे आपको रेटों में बढ़त दिखाई देगी, और 19,000 और 20,000 रुपये गज के आसपास भी आप पहुँच जाएंगे। यहाँ से सामने में आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो सामने वाला आपको वाइट कलर की बाउंड्री दिख रही है बड़ी सी, एक्चुअली में ये बन रहा है चंडीगढ़ देहरादून वाला हाईवे। मैं अभी यहाँ से आपको प्रॉपर्टी से पूरा हाईवे तक लेके जाऊंगा, पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको स्कूल कॉलेज सब कुछ देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा, अगर मैं इधर पे जाऊँ ऐसे जूम करूँ, तो ये रेड कलर की एक बाउंड्री दिखाई दे रही है पीछे। ये आप गूगल मैप में डालेंगे ज्ञान आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल, तो आपको लोकेशन देखने को मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा स्कूल है। और यहीं से शिमला बाईपास रोड जो आईएसबीटी के लिए जाता है, ये देख रहे हैं आप, जहाँ पे ये बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, इसके नीचे में ही वो रास्ता जा रहा है शिमला बाईपास रोड का। तो प्रॉपर्टी से खड़े होकर मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी कनेक्टिविटी बता दी है। आसपास में काफ़ी घर बने हुए हैं। अब चलते हैं यहाँ से सीधा हम लोग प्रॉपर्टी से रोड की तरफ में, जो हाईवे बन रहा है। तो मैं आपको एक बार उसके दर्शन भी कराना चाहता हूँ कि वो काम कैसा चल रहा है, और कितना अच्छा अप्रिशिएट आपको यहाँ से रेट देखने को मिलेगा आने वाले कुछ ही टाइम में। तो अभी मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। ये रही हमारी प्रॉपर्टी, और उसके ठीक सामने से ये आ गया हमारा रोड, जो कि बाहर के लिए जाना है। तो अभी मैं यहाँ से ना सीधा बाहर जा रहा हूँ। मैं कैमरे को कर देता हूँ यहाँ पे सेट, रेडी, गेट सेट, गो। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं प्रॉपर्टी की तरफ में, रोड की तरफ में। तो ये जो है हमारी एंट्री, ये वाली एंट्री भी कहीं पे देखिए, कहीं पे 25 फीट है, जैसे इस वाले टर्न पे 25 फीट है, और कहीं पे 20 फीट है, पर 20 फीट से आपको कहीं पे भी कम नहीं मिलेगी, ठीक है। ये आगे देखिए मेन रोड। अब ये मेन रोड में अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ता हूँ, जिधर पे ज्ञान आइंस्टाइन स्कूल था उस साइड में मुड़ता हूँ, तो हम लोग चल निकल जाएंगे सीधा जहाँ पर शिमला बाईपास रोड में जीडी गोइन का स्कूल है, ठीक, उसके सामने निकल जाएंगे। और इस तरफ में हम जा रहे हैं, तो इस तरफ से हम अगर इस सीधे रास्ते को पकड़ के चलते हैं, तो हम लोग ठीक यहाँ से प्रेम नगर को क्रॉस करते हुए और सीधा आईएमए के गेट के सामने निकलेंगे। आईएमए के गेट के ठीक सामने वाला रास्ता ये इधर पे आता है, ठीक है जी। अभी आसपास में आपको अच्छी खासी बसावट देखने को मिलेगी, अच्छी खासी बसावट है, यहाँ पे बिजली पानी सब कुछ है। अब मैं यहाँ से आपको जो मेन इसका रोड रहने वाला है, जो मेन हाईवे वाला रोड रहने वाला है, उधर की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। तो ये देखिए, आपको थोड़ा सा बस आगे आना है, थोड़ा सा आगे आकर इस मेन रोड को हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ पे आपको बस स्टॉप देखने के लिए मिलेगा, एक बस स्टॉप है
वहीं से आपने लेफ्ट हैंड साइड में टर्न हो जाना है। ये रही जहाँ पे ये ट्रक खड़ा है, एक्चुअली में हाईवे का ही काम चल रहा है यहाँ पे, तो ट्रक खड़ा है अभी, रास्ता पूरा तैयार नहीं हुआ है, बट हाँ कार जाने लायक रास्ता है। जब कार जाने लायक रास्ता है तो ऑलमोस्ट तैयार ही है। अब इसमें क्या होता है ना सर कि अगर जैसे प्रेमनगर की साइड में ये रास्ता जाके मिलता है, प्रेमनगर के पास से जिस दिन इस रास्ते का मुंह खुल गया और ये रास्ता आगे देहरादून में कहीं भी, जैसे आप मान के चले शिमला बाईपास रोड पे भी ख़त्म होता है आगे, उससे आगे काम चलता रहे, या आसा रोड़ी की तरफ में निकलेगा, तो आप यकीन मान के चले कि यहाँ पे जो ज़मीनों के रेट आपको आज के रेट में हम दे रहे हैं, यही रेटों में आपको 5-6 हज़ार रुपये गज तक का उछाल देखने के लिए मिल जाएगा। सीधा 5-6 हज़ार रुपये गज तक का ये जंप कर जाएगा। अब देखिए ये सामने आ गया रास्ता, आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा एक्सप्रेसवे का काम यहाँ पे चल रहा है, मिट्टी मिट्टी डाल के इसको ना, ये कितना ही टाइम लगेगा एक्सप्रेसवे, जब इतनी ज़्यादा काम हो गया है आगे आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर में ब्लैक टॉप भी ऑलरेडी डल चुका है, ब्लैक टॉप इन द सेंस कि काली रोड का काम भी ऑलमोस्ट यहाँ पर शुरू हो गया, क्या ख़त्म होने वाला है। ये देखिए ये आगे हम लोग इस वक्त हाईवे के ऊपर में। अब यहाँ से मैं अगर इस तरफ में जाता हूँ, जिस तरफ में अभी मैं जा रहा हूँ, तो मैं निकल जाऊंगा सीधा शिमला बाईपास चौक की तरफ में। शिमला बाईपास चौक जहां पर शिवालिक कॉलेज है ठीक उसके सामने निकल जाऊंगा, और वहां से आप चाहे तो चक्राधर रोड की तरफ चले जाए, चाहे तो आप आईएसबीटी की तरफ चले जाए ठीक है, चाहे आप ग्राफिक एरा हॉस्पिटल की तरफ चले जाए। यहाँ से ग्राफिक एरा हॉस्पिटल भी ज़्यादा दूर नहीं है, मैं यहाँ से अगर कहीं पर गाड़ी रोकूँगा ना, गाड़ी रोक के आपको दिखाऊँ, तो ग्राफिक एरा हॉस्पिटल भी यहाँ से दिख रहा है, मैं दिखाता ही हूँ आपको। मैं यहाँ से वापस एक बार गाड़ी मोड़ के थोड़ी सही जगह पे लगा लेता हूँ जहाँ से विजिबल हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि दिखाई तो यहाँ से दे रहा है, पर वहाँ पे जाने के लिए आपको यही वाले रास्ते अपनाने पड़ेंगे, जैसे शिमला बाईपास रोड की साइड आप गए, या फिर आप इधर चले जाए हनुमान जी का जो मंदिर है चक्राता रोड पर, तो वहाँ चले गए। अब देखिए ये यहाँ से आपको वीडियो में जूम करना पड़ेगा मुझे, ये हुआ जूम, ये देखिए ये जो इन पेड़ों के पीछे में बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये ग्राफिक एरा हॉस्पिटल ही बन रहा है जो कि रहने वाला है चक्राता रोड पे। अभी नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है और काफ़ी बड़ा, पूरा यूनिवर्सिटी है उनका, तो क्या काफ़ी बड़ा उनका कंस्ट्रक्शन भी है। तो अब मैं आ गया वापस, अब मैं इस तरफ में जा रहा हूँ, तो यहाँ से हमारा प्रेम नगर रह जाता है। जब अपना ये एक्सप्रेस वे रेडी हो जाएगा पूरा, तो केवल आपको कितना मिनट का डिस्टेंस पड़ेगा यहाँ से, यहाँ से केवल आपको प्रेमनगर के लिए 5 या 7 मिनट ड्राइव करेंगे आप, तो सीधा प्रेमनगर पहुँच जाएंगे। तो प्रेमनगर के बीच में अब आपको 2-3 चीज़ों की नॉलेज होगी कि यहाँ से मसूरी एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, प्रेमनगर से पहले जहाँ पे वो सुद्धवाला चौक है वहाँ से मसूरी एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, ऑलरेडी ऑर्डर भी इशू हो गए हैं और उसका बजट भी फाइनल हो चुका है। सो इस प्रोजेक्ट तो आपको गिनवाने बैठ जाऊँ तो शाम हो जाएगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे नया पुलिस लाइन यहाँ पे बनने जा रहा है, आरटीओ बनने जा रहा है यहाँ पे, आईएसबीटी इस रोड पे शिफ्ट हो रहा है, साथ ही में मेट्रो का काम यहाँ से शुरू होने जा रहा है। तो इस एरिए में रेट्स का अप्रिसिएशन आपको आए दिन देखने को मिलेगा, जैसे जैसे हाईवे का काम कंप्लीट होता जाएगा, रोड का काम कंप्लीट होता जाएगा, यहाँ पर रेट बढ़ते जाएंगे। अब आपको साइट विजिट करने के लिए दिए हुए नंबर पर करना है, कॉल करना है साइट को, विजिट पेपर्स सारे ओके हैं, क्लीन टाइटल जमीन है, म्यूटेशन दाखिल खारिज हो रखी है। साइट विजिट पर मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।